ये जय शाह मतलब इस वक्त पूरी तनकीद का हाँ, दुनिया की नजरें उन पे हैं। जो जो जय शाह को जो जानते भी नहीं थे वो अब जानना पहचानना शुरू हो गए हैं। इस तरह से क्रिटिसाइज मतलब उन्होंने काम ही ऐसा किया ना। अच्छा, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। आपको पता था कि वर्ल्ड कप है, पूरे चार नेशंस स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश अपनी प्रैक्टिस करेंगी। उन्होंने कहा टीम इंडिया तो वैसे भी आउट ऑफ प्रैक्टिस है, हमारा कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। वेस्ट इंडीज जाके खेला है, आयरलैंड जाके खेला है, कंडीशंस उनको पता है कि इंडिया में तो वो किंग होते हैं। 2011 में वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, इंडिया जीता। 2015 में वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2019 में वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड में, इंग्लैंड जीता। उनको पता है कि अभी पिछले 3 साल से जहां की कंडीशंस हैं उस वहां की टीम जीत रही है। तो शायद वो इस खुमार में है कि पाकिस्तान टीम भी प्रैक्टिस ना कर सके, श्रीलंका वाले भी ना कर सके, और ये साजिश है जय शाह की जानिब से। देखिए ना, इसलिए होस्टिंग दी गई आपको, आपका साफ नजर आ रहा है कि होस्टिंग क्यों दी गई है आपको। आपका लोगो भी नहीं है और लोगो देखें टीम की शर्ट्स पर किसी के भाई लोगो नहीं है, चीजें नहीं है उसको। एक जब होस्टिंग होती है, होस्ट करने का मकसद ये होता है कि उसमें सारी चीज़ें आपकी कंट्री में जाती हैं और उस उन चीज़ों को अकोमोडेट करता है, चाहे उनकी जो बोर्ड की टीम हो या दूसरे दीगर लोग हों, वो करते हैं। मगर यहाँ पर तो 4 मैचेस हुए सिर्फ, और एक दिन के लिए जो इंडियन जो वक्त है वो भी आया था साथ में, और चेयरमैन साहब से मिला है, हाई टी किए और चाय वगैरह पिए और उसके बाद चले गए वो। तो आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, मगर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप जो चीज़ मैनेज कर रहे हैं, जो चीज़ कमिटमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें करें। और क्रिकेट ऐसा गेम है पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, आपको पता। हर जिम्बाब्वे बोर्ड भी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, हरारे में इतनी क्रिकेट हो रही है, एफ्रो टी टेन हुआ है अभी वहाँ पर, अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया। वहाँ पर लंकन लीग होती है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, हर चीज़ की एक फाउंडेशन होती है और वहाँ पर प्रोफेशनल लोग बैठे होते हैं और उनकी जो है आपकी सुनी भी जाती है। तो लिहाजा पीसीबी को सोचना चाहिए इन चीज़ों पर कि एक स्ट्रॉन्ग एरर में जाके कुछ डिस्कशन करें और इन चीज़ों को लायमल पहले से एक एक साल दो साल पहले बनाएं कि जब आपको होस्ट की जा रही है। नंबर वन अभी आपकी लीग PSL हो रही है, पाकिस्तान में क्या एशिया कप में जो प्लेयर खेल रहे हैं वो भी PSL में वही प्लेयर आते हैं इंटरनेशनल, बल्कि उससे ज़्यादा और स्ट्रॉन्गली प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, हर जगह के आते हैं। तो आपकी नंबर वन लीग यहाँ पर चल रही है, आपने होस्ट किया हुआ है डिफरेंट लीग्स को। तो मेरे ख्याल में ये है कि अलमिया